गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ मीटर कक्षा 3। आज का हमारा लेसन है अमित का सपना। बहुत छोटा लेसन है ये, हम फटाफट पढ़ेंगे। अमित कक्षा 3 में पढ़ता है, उसकी कहानी। उसको कहानी और जानवरों की फिल्में देखना अच्छा लगता है। एक बार रात को ऐसे ही फिल्म देखकर वह सो गया। देर रात उसने सपने में देखा कि वह घने जंगल में खो गया है। वह वहाँ अकेले है, वह डर रहा था। तो क्या हुआ, एक बार अमित नाम का एक लड़का, उसको किताबें पढ़ना, कहानी सुनना और फिल्में देखना, कहानी और फिल्में, जानवरों की फिल्में देखना अच्छा लगता था। वो एक दिन रात में सोने से पहले जानवरों की फिल्म देखा और वो सो गया। अकेले सोया तो वो सपना देखने लगा और सपना देखकर वो डर गया कि कोई जानवर उसके सामने ना आ जाए। उसने सपने में देखा कि वो एक घने जंगल में पहुंच गया। उसे डर लग रहा था कि कोई जानवर उसके सामने ना आ जाए। इतने में एक हिरन उछल कर उसके सामने आया। वह हिरन को देख कर भागने लगा था कि उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। सपने में अमित ने देखा कि एक हिरन उछल के उसके पास आ गया और वो घबरा के भागने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसकी नींद खुल गई, वह डर गया, वह रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता जाग गए और उसके पास आए। सारी बात जानकर उन्हें हंसी आई। उसने जब देखा कि हिरन उछल के उसके पास आया तो वो भागने लगा और वो फिसल के गिर गया। तब एकदम से उसकी नींद खुली और उसने सोचा, अरे ये तो सपना है, और वो डर के मारे रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा पास आए और उन्होंने बात जब सुनी तो उनको हंसी आ गई। अगले दिन यानी दूसरे दिन अमित के मित्र उसका सपना सुनकर बहुत खुश हुए। ठीक है, ये सिंपल कहानी छोटी सी है, इसको आप एक रीडिंग मारिए और नेक्स्ट पेज पे ये आपका पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर, ये मैं आपको करके भेजती हूँ, आप व्हाट्सअप करिए मुझे सारा।